पूर्णिया जिले के मीरगंज में तालाब में डूबने से एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मीरगंज थाना क्षेत्र के रंगपुरा निवासी सुरेश ऋषि की पुत्री शबीना कुमारी गुरुवार की दोपहर घर के समीप खेल रही थी। खेलने के क्रम में वो गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद देर शाम में बच्ची का शव घर के समीप तालाब में तैरता हुआ मिला। जैसे ही बच्ची का शव बरामद हुआ, परिजनों एवं पूरे गांव में कोहराम मच गया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पूर्णिया भेज दिया। घटना 3 बजे का डेट था। फिर से बोलिए। 3 बजे का डेट था वो दिन, और 50 मिनट 4-5 था। अब कैसे अब बच्चों को पूछे तो बच्चा कहता हमने देखे नहीं देखे हैं। तो हम आदमी पूरा गांव छान मारे, नहीं मिला तो लास्ट में कहें कि बच्चा से पूछे कल के इधर गया था पोखर दिखाना। तो हमको सब हुआ कहीं पोखर वोखर में गिर गया होगा, देखे वहाँ। तो फिर हिम्मत लगा करके 11:30-10:30 में जिसको छाँक पड़ी। पोखर में डूबा था? हाँ। नदी में डूबा? नहीं, पोखर में डूबा। कहाँ का घटना? बड़ा पोखर है, नदी है, बड़ा पोखर है। कहाँ की घटना है? रंगपुरा का। रंगपुरा का क्या नाम है मृतक का? मृतक का इसका वहाँ लिखा होगा नाम। नाम बोलिए। रविनाथ कुमारी का। रविनाथ कुमारी। हाँ, रविनाथ। महिला? हाँ, महिला। आपकी कौन है? बेटी है। बेटी क्या एज हो रहा है? एज क्या हो रहा था? पुलिस आई थी। क्या हुआ था? हम लोग को सूचना मिला कि कोई 10 साल का बच्चा का यानी कि डूब के मृत्यु हो गया है। तो हम लोग आए, सर लोग भी साथ में थे। सब पूरा रिपोर्ट पर बना के दिया, हम पोस्टमार्टम करने के आए। कब की घटना थी? घटना यानी कि कल लगभग 4 बजे की है। और यही कौन थाना से आए हुए हैं? मीरगंज थाना से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पासवान, चौकीदार है। हाँ।